कलयुग के अंत के समय कौन होंगे वो लोग जो पा सकेंगे कल की अवतार के दर्शन और रक्षा। राधे राधे दोस्तों, और आज हम आपको बताएंगे ऐसे लक्षण जो यदि किसी व्यक्ति में है तो भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में उसी की रक्षा होगी, और जिनमें ये लक्षण नहीं है वो कल की भगवान की विनाश लीला का शिकार बनेंगे। भारत और उत्तरांचल के क्षेत्रों के बीच में बड़ा विवाद देखने को मिलेगा। यहाँ जिस उत्तरांचल क्षेत्र की बात हो रही है उसे चीन माना जा रहा है। यहाँ तक कि विदेशी सेनाओं के भारत के अंदर आने के मुहूर्त तक का वर्णन भी गुप्त रूप से भविष्य मालिका में लिखा हुआ मिलता है। उत्तर में स्थित पहाड़ों की बर्फ अचानक पिघलने से समुद्र का जल स्तर लगभग 10 हाथ तक ऊपर बढ़ जाएगा। ये भविष्यवाणी बेशक 600 साल पुरानी हो, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज साइंटिस्ट को भी ये डर है, और वो भी ये अंदाजा लगाने लगे हैं कि उत्तरी पहाड़ों की बर्फ यदि पिघली तो जल स्तर तुरंत 10 से 12 फीट तक बढ़ने वाला है। इसी बीच विश्व भर में फैले बड़े बड़े संतों भक्तों को भी भविष्य मालिका के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के संपूर्ण अंत से पहले कल की भगवान ये निश्चित कर देंगे कि उनके हर भक्त के कान तक भविष्य मालिका की वाणी एक बार पहुंच जाए। विश्वास करना या ना करना उनके ऊपर है। अब सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए, कैसे संतुष्ट रहा जाए कि भगवान कल्कि हमारी रक्षा करेंगे, कैसे बने हम भगवान कल्कि के लायक। तो दोस्तों, भविष्य मालिका ग्रंथ सिर्फ कल्कि भगवान की लीला बताकर भविष्यवाणियां करके डराता नहीं, बल्कि बचने के तरीके भी बताता है। जो लोग मांस मदिरा और हर तरह की बुरी आदत को छोड़कर भगवान कल्कि को अपना पूरा जीवन मान लेंगे और त्रिकाल संध्या करेंगे, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच और शाम 5 से 6 बजे के बीच श्री हरि की पूजा और उनकी स्तुति करेंगे, श्रीमद् भागवतम का रोज पाठ करेंगे, माधव नाम का जाप करेंगे, कल्कि प्रभु के द्वारा कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत तक उनकी पूरी रक्षा की जाएगी, साथ ही उन्हें सतयुग में प्रवेश भी मिलेगा और श्री कल्कि भगवान के साक्षात दर्शन करने का अवसर भी उन्हें मिलेगा। भगवान श्री अनंत माधव यानी कल्कि अवतार सतयुगी मानव में 4 गुण देखना चाहते हैं, जिन्हें भक्तों को अपने अंदर अभी से लाना शुरू करना होगा। पहला, समय हरि को देख के सबसे प्रेम करना। दूसरा, प्रतीक्षा करना। तीसरा, कल्कि भगवान के वचनों में पूरा अटल विश्वास, चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए। और चौथा, व्रत या उपवास के लिए सदा तैयार रहना। कलयुग कितना भी भयंकर हो, हमें सच, दया, शांति, प्रेम और क्षमा का ही आचरण करना है। जिस मानव में ये सभी बातें आ जाएंगी, कल के प्रभु भी उसे मिल जाएंगे। आपका भविष्य मालिका और इन भविष्यवाणियों पर क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।